चुनाव प्रचार के दौरान भव्य बिश्नोई ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। भव्य बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। हमारी लगातार कवरेज इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर जारी है हरियाणा चुनाव पर, और अब हम पहुंचे हैं आदमपुर हिसार क्षेत्र में। यहां हम आपकी वार्ता करवाएंगे वर्तमान विधायक से, भव्य बिश्नोई, जो दोबारा मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। भव्य, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद उदय जी, स्वागत है आपका आदमपुर में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, आपके बिल्कुल क्षेत्र में आपका इंटरव्यू आज कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, यहाँ माहौल इस बार आप क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। और आदमपुर की विशेषता के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चुनाव लोग खुद लड़ते हैं। चौधरी भजनलाल परिवार से एक चेहरा प्रस्तुत करता है, हम अपनी मेहनत 5 साल करते हैं, चुनाव आदमपुर के लोग लड़ते हैं, और चुनाव आदमपुर के लोग बनाम बाहरी ताकतों का होता है। इस बार भी वही है, और इस बार भी आप देखना 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 को जब परिणाम आएंगे, ये दोबारा एक इतिहास लिखने का काम आदमपुर की जनता करेगी। मुख्य मुद्दे आप इस बार जनता के बीच क्या रख रहे हैं? ये चुनाव आदमपुर का विश्वास के नाम पे लड़ा जा रहा है, जो 56 साल का विश्वास आदमपुर के लोगों का और चौधरी भजनलाल जी के प्रति रहा है, उसको और मजबूती दिलाने का समय आ गया है। और दूसरा, विकास के नाम पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। 1.5 सालों के अंदर जब से हम लोग सरकार में आए हैं, 800 करोड़ के विकास कार्यों को हमने गति प्रदान करने का प्रयास किया है, तो लोगों तक हम अपना संदेश पहुँचा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो विकास और विश्वास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि कम समय आपको मिला था, मगर इस कम समय में आप दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो पाया, तो आगे 5 सालों के लेकर आपका विजन बड़ा क्लियर है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जिन साथियों के काम अधूरे रह गए थे, क्योंकि 1.5 साल में सबके काम होने पॉसिबल नहीं है, जैसे खाड़ बनने हैं, ढाणी में बिजली देना बाकी है, खेतों के रास्ते हैं, रोजगार है, इन तमाम मुद्दों को जो हमारे अधूरे काम रह गए जिनके एप्लीकेशन हमारे पास है, उनको मैं प्राथमिकता दूंगा। और इसके अलावा एक दो बड़े प्रोजेक्ट मैं लाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक हेल्थ केयर से रिलेटेड, मैं एक एक बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहता हूँ अगले 5 साल में। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो सामने प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, मगर आपके जो विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो कह रहे हैं कि आपके परिवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, रोष है, विरोध हो रहा है, वो सर्कुलेट कर रहे हैं वो वीडियोस को, क्या जवाब देंगे उनको? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए आए चुनाव ये झूठा प्रचार करते हैं, इनमें कुछ सच्चाई नहीं होती। एक गाँव में थोड़ा बहुत कुछ अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई थी, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, और लोकतंत्र में सभी को सवाल पूछने का अधिकार होता है, उन्होंने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, और बाद में जो भी थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी के साथ सुलटा दिया, हमारे परिवार के लोग हैं और उनका हर आदेश हमें हमारे शर्माते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी विरोध की, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है लोगों का, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी एक इतिहास लिखने का हम लोग काम करेंगे। पहली बार आप विधायक बने, बहुत गर्व आपके पिताजी अभी महसूस कर रहे थे, उन्होंने आपको क्या सलाह दी, क्योंकि वो भी यू नो चौधरी भजनलाल की विरासत आगे लेकर आए, अब आप आगे बढ़ा रहे हैं? जी, जो भी मेरा सीखा हुआ है वो मेरे दादाजी, पिताजी और आदमपुर के लोगों ने जैसे सिखाया है कि हमेशा पूरे समर्पण के साथ, मेहनत के साथ लोगों की सेवा करनी है, जात पात के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करना, यहाँ तक कि पार्टी एलिजेंस के आधार पर भेदभाव नहीं करना। आदमपुर से जो भी सदस्य आपके पास आता है, वो हमारा पारिवारिक सदस्य है, पूरी निष्ठा के साथ उनकी हमने सेवा करनी है, और उसी मूल मंत्र के साथ, उसी संस्कार के साथ मैंने इन 1.5 सालों के अंदर सेवा करने की कोशिश करी है, चाहे विधानसभा में हमारे हल्के के मुद्दों को उठाने की बात हो, या चाहे लोगों के बीच में रह के उनके समस्याओं का समाधान करने की बात हो। प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, देश के बहुत बड़े नेता थे स्वर्गीय भजनलाल, तो क्या आपको लगता है अभी भी उनके जाने के इतने साल बाद भी उनके नाम पे आपको वोट मिलता है? निस्संदेह, और मैं जब तक पॉलिटिक्स करूँगा, जब तक जनता की सेवा करूँगा, उनके नाम पर ही मैं लोगों के बीच में जाऊँगा, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अपने आप में महानस्थी थे, उनके तो मैं पैरों के धूल के बराबर भी नहीं, ना कभी हो सकता, और उनका मुकाम, हालांकि मैं उनका खून हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसी महानस्थी वो थे, और जो भी सिखाया हुआ है उनका सिखाया हुआ है। इस चुनाव में भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के घर घर उन्होंने लोगों को नौकरी दी है, हर गांव के अंदर लोगों के काम किए हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज अस्पताल बने आदमपुर के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर, बहुत अहम उनका योगदान रहा है, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी थे, लेकिन इस 1.5 सालों के अंदर ये ज़रूर है कि मैंने जो काम किए हैं उसका भी प्रचार हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी लोग बीच में आ रहे हैं, तो वो चलता रहेगा, लेकिन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की जो छाप है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में भी और लोगों के मन में भी रहेगी। विधायक बन के क्या कुछ सीखा आपने इस कम समय में? बहुत कुछ सीखा है, देखिए मैं क्योंकि विधानसभा में, जैसे मैं कहा, मैं सबसे युवा विधायक था, तो
विधानसभा के दोनों तरफ, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के विधायक थे चाहे प्रतिपक्ष के थे, मैंने सभी से बहुत कुछ सीखने मुझे मैं सीखा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जो लर्निंग्स मेरी रही है आने वाले समय में उनको मैं एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में ला सकूं। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका परिवार नाराज था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी आपके पिताजी को टिकट नहीं मिला लोकसभा में जो हाल ही में लोकसभा हुआ, वह भी बात बता रहे थे अभी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी, इस पे आप क्या कहेंगे कि अभी भी परिवार में नाराजगी है या ऑल इज वेल? नहीं, परिवार कार्यकर्ताओं में नाराजगी शायद जरूर थी क्योंकि हमने लोकसभा में उनको मनाने में बड़ी मेहनत करी, हमारे परिवार हमारे मन में कोई नाराजगी नहीं थी बीजेपी के प्रति। हम बिल्कुल एक क्या कहते हैं निस्वार्थ भावना के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किए क्योंकि हमने शामिल हुए थे और जब से हम बीजेपी में रहे हैं एक साधारण कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी पार्टी उचित समझती है हमारे प्रति हम उनको पूर्ण रूप से निभाने को तैयार है, सक्षम भी है और हमारे मन में कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी, ना कल थी ना आज है और हम एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हमने पहले भी काम किया है आगे भी करेंगे और जैसे मैंने कहा जो जिम्मेदारी जनता जनार्दन हमें देगी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको हम पूर्ण रूप से निभाने का काम। प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं आपके लिए प्रचार करने के लिए, कितना बड़ा अनुभव है ये और क्या इम्पैक्ट उनका रहने वाला है यहाँ के लोकल चुनाव पर? बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहेगा, एक बहुत बड़े नेता है मोदी जी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग ही टचेस टर्न्स टू गोल्ड और पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से उन्होंने भारत का गौरव पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है, जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों में उन्नति लाने का काम किया, आज भारत विश्व की सबसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो निस्संदेह वो जब हमारे 28 तारीख को हिसार में आएंगे सभी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, लोगों को वोटों का आह्वान करेंगे, उसका बहुत ज़बरदस्त हमें प्रभाव सभी उम्मीदवारों को मिलेगा और मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि मोदी जैसे नेता हमें देश में मिले हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिसार की पवित्र धरा पर वो हम आने का काम कर रहे हैं। आखिरी दो सवाल आपसे, एक तो मैं पूछूंगा कांग्रेस पार्टी पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके प्रति लहर है पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पर, क्या आपको लहर दिख रही है? और दूसरा, राहुल गांधी भी आज उतर आए हैं मैदान में, करनाल में उन्होंने एक सभा की, राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस हरियाणा चुनाव पर? देखिए दावे तो ये पहले से भी करते आ रहे हैं और ये ज़रूर है कि लोकसभा के परिणाम के बाद कुछ थोड़ी मायूसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ था लेकिन तब में एक तो सबसे पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं और तब में लेकर अब में बहुत फ़र्क है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लहर भाजपा के प्रति है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं कई जिलों में मैं खुद गया हूँ और युवाओं में खास तौर पर जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट प्रणाली को स्थापित करते हुए प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी गई है और तमाम सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम हुए हैं, लोग बड़े समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के घर घर बैठते हुए लोगों के काम हुए हैं और पिछले जो 10 साल कांग्रेस सरकार के उससे पहले के थे वो भी लोग भूले नहीं हो कि जो यादें अभी भी ताज़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, महंगाई बेरोजगारी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, तो लोग दोनों चीज़ों को नाप तोल के कंपैरिजन करके अपना मतदान करेंगे और एक तरफा माहौल देखने को आपको मिले। थैंक यू वेरी मच और शुभकामनाएं आपको देते हैं 8 अक्टूबर के लिए, ऑल द बेस्ट भव्य। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, आदमपुर हिसार, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए।